सांसद धीरज साहू से जुड़े बॉट डिस्लरी बिजनेस ग्रुप के ओडिशा व झारखंड के ठिकानों से बरामद रुपये की गिनती में शनिवार रविवार को बैंक की छुट्टी होने के कारण तेजी आई है। हालांकि नोट गिनते गिनते बैंक के कर्मचारी पस्त हो चुके हैं। सभी नोटों की गिनती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बालांगीर मुख्य शाखा में जारी है। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बोहरा ने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते हैं कि कितना और वक्त लगेगा, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ नोटों की गिनती में लगे हुए हैं। अब तक नोटों से भरे 176 बैग्स में से 140 की गिनती पूरी कर ली गई है। राउंड द क्लॉक काम चल रहा है, कर्मचारियों से ओवरटाइम काम लिया जा रहा है। नोटों से धूल भी निकल रही है, जिस कारण कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गिनती में आंकड़ा 500 करोड़ पार जा चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि आयकर विभाग की ओर से नहीं की गई है। इधर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से भारी मात्रा में बरामद रुपये के संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, वो बताएं। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में धीरज साहू को स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को ग्रुप के कई ठिकानों पर छापामारी कर रुपये से भरा 30 अलमीरा बरामद किया था। उस दिन नोटों की गिनती जारी हुई थी। इधर रविवार को रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि धीरज साहू से बड़ी मात्रा में मिली नकदी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि धीरज साहू का निजी मामला है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कहा कि धीरज को बताना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि उनके पास कहाँ से आई है। पैसे किसके, ये बीजेपी पूछ रही है। आईटीन नीचे कीजिए थोड़ा सा। आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है, इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसका हमें जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा, उसके बाद में धीरज साहू जी की जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने पोजिशन उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं का मिला जुला पैसे, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी इस प्रकार की कोई भी चीज़ों में आगेवश है कि एक व्यक्ति जो कि 100 साल से भी ज़्यादा इसका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, यहाँ चला रहा है और उनके ये परिवार का संयुक्त ये व्यवसाय है, उसमें धीरज साहू जी उसके एक अंग है, उसके एक पार्टनर है, एक जुड़े हुए सदस्य हैं। और इसके बारे में पूरे परिवार का जो कोई भी ध्यान और स्पष्ट करना है, विशेष रूप से धीरज साहू जी से स्पष्ट करना मांगा गया है कि वे ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि इतनी बड़ी रकम उनके पास में कैसे आई। लेकिन पहले इनकम टैक्स का सही रूप में एक बयान आना चाहिए, उनका कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए कि वास्तविकता में ये कैश कितना है और कहाँ से। सर कुछ कार्रवाई भी होगी क्या इन पे आगे? प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।